तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं लाखों की संख्या में जो भीड़ है दोस्तों, ये रांची के आपको रेलवे स्टेशन का भीड़ है दोस्तों, जो कि यहाँ पर बाबा भोले बाबा का जो केदारनाथ का दृश्य है, वो केदारनाथ का दृश्य के मुख्य जो मंदिर है दोस्तों, उन्हीं का मतलब मुख्य रूप से ये गेट बनाया गया है और इसके अंदर बाबा भोले बाबा का प्रतिमा लगा हुआ था। तो दोस्तों लाखों की संख्या में इतना भीड़ था ना इस पंडाल को देखने के लिए कि क्या बोले। वाकई में इस पंडाल का जो दृश्य, जो अंदर का दृश्य है ना, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत दृश्य है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये देखिए बाबा भोले बाबा का रुद्र मतलब रूप है, इसके अंदर जब देखिए ना बाबा भोले बाबा का रुद्र रूप जो है ना, आपको देखिएगा देखने को मिलेगा। ये देखिए केदारनाथ जो मंदिर, बाबा भोले बाबा का जो मंदिर है ना, उस रूप में ये बनाया गया है रेलवे स्टेशन का पंडाल का। तो दोस्तों दशहरा तो खत्म हो गया, लेकिन क्या बोले, हम वीडियो थोड़ा लेट से डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अद्भुत आपको नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। देखते जाइएगा चारों तरफ घंटा ही घंटा बांधा गया है। ये बाबा भोले बाबा का प्रतिमा लगा हुआ है, उसमें लेजर लाइट के थ्रू देखिएगा कैसे लेजर लाइट की कृपया से आपको बाबा भोले बाबा का रुद्र का रूप दिखाएंगे दोस्तों। देखते जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इधर हमें देखिए, हम भी आए हुए थे इस बाबा भोले बाबा का रुद्र देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों बाबा भोले बाबा का परम भक्त हैं हम, और आपको भी लेकर आए हुए हैं और दिखा रहे हैं दोस्तों। अभी हम नए यूट्यूबर हैं दोस्तों, हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो देखिएगा अभी तुरंत चालू होने वाला है दोस्तों, बस कुछ ही पल में अब चालू होगा और देखिए चालू होने वाला ही है दोस्तों। बस 1 2 3 4 5 6 बहुत जल्द अब दोस्तों चालू हो जाएगा। देखिएगा ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, देखिए फोकस चालू हो गया है और इधर देखिए दोस्तों चालू हो गया। 5 4 3 2 1 चालू हो गया दोस्तों। ये देखिए बाबा भोले बाबा का सबसे पहले जो ऊपर में चांद दिख रहा है ना, उस पर फोकस किया, सबसे पहले चांद पर फोकस करने के बाद दोस्तों इसके बाद देखिएगा बाबा भोले बाबा का दोनों जो कान है दोस्तों, कान का बाली जो है वो दोनों फिर फोकस किए। इसके बाद देखते जाइए धीरे धीरे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसा रूप बाबा भोले बाबा का, ऐसा मतलब प्रतिभा, ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं भी किसी भी पंडाल में देखने को नहीं मिला है, जो कि रांची के रेलवे स्टेशन के पंडाल में, जो कि वहाँ के अध्यक्ष है मुनचुन राय जी, जो बाबा भोले बाबा का परम भक्त है दोस्तों। देख सकते हैं बाबा भोले बाबा का लेजर लाइट से कैसे मतलब दृश्य दिखाया जा रहा है कि बाबा भोले बाबा अपने भक्तों को बचाने के लिए दोस्तों विष पिए थे, विष का मतलब जहर पिए थे अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने चाहने वालों को लिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा भोले बाबा गांजा पीते हैं, अरे गांजा बाबा नहीं पीते थे, बाबा भक्त को बचाने के लिए उन्होंने जहर पिया था, विष पिया था अपने सृष्टि को बचाने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं बाबा भोले बाबा का रुद्र रूप, ऐसा रुद्र रूप आपने कभी नहीं देखा होगा, यह है बाबा भोले बाबा का रुद्र रूप। ये देखिए ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी ऊपर से बह रहा है दोस्तों। थोड़ा सा हम नज़दीक चले गए थे, दूर से दिखाते तो और भी अच्छा लगता, देख सकते कितना खूबसूरत मतलब लेजर लाइट से दिखाया जा रहा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बाबा का प्रतिमा जो है ना, ये देखिए वह क्या बात है, ऐसा नज़ारे हमने कभी नहीं देखे थे दोस्तों। यही तो खासियत है, माँ दुर्गा जी का आगमन होता है, हर साल आगमन होता है कुछ नए तरीके से रेलवे स्टेशन में, पंडाल में आपको हमें बाबा भोले बाबा का देखने को मिलता है, जो कि ऐसे ऐसे रुद्र और भोले बाबा का रूप जो देखने को मिलता है ना, सिर्फ रांची के रेलवे स्टेशन मुनचुन राय जी अध्यक्ष जो है ना वही बस ये करते रहते हैं। बाकी ये रांची के झारखंड के जितने भी क्षेत्र में ऐसा कोई भी ऐसा दृश्य जो है ना नहीं मतलब दर्शाता है ना बनाता है। तो आपको देखने के बाद देखिएगा, अंदर जाइएगा, इसके बाद पंडाल देखिएगा दोस्तों, माँ दुर्गा माँ का पंडाल दिखेगा। तो दोस्तों देखते जाइएगा कैसे बाबा भोले बाबा का रुद्र अभिषेक हो रहा है दोस्तों।
मज़ा आ रहा है दोस्तों देखने में, मेरा दिल एकदम गदगद हो गया था दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों बाबा भोले बाबा का लेजर लाइट से कैसे दिखाया जा रहा है पूरा विषय दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। वाकई में हमें बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, हमने सोचे कि चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं पंडाल, लेकिन पंडाल रेलवे स्टेशन नहीं गए थे भीड़ के कारण दोस्तों, तब पर भी गए दोस्तों हमने देखने के लिए गए, बहुत अच्छा लगा दोस्तों रेलवे स्टेशन का पंडाल का। ये बाबा का रुद्र रूप आपने कभी नहीं देखा होगा, साक्षात बाबा भोले बाबा का दर्शन हुआ है दोस्तों। तो आप लोग भी इस बाबा भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए, ऐसा लग रहा है कि बाबा भोले बाबा एकदम बैठे हुए हैं मंदिर के अंदर दोस्तों, रुद्र रुद्र रूप से आपको दर्शन होगा बाबा का। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य देखिए बाबा का, मनमोहक दृश्य कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया। देखिए माँ पार्वती जी और भोले बाबा का रूप है दोस्तों, जो अजनारी के रूप में आता है, सिंह आदर पार्वती के रूप में थे बाबा भोले बाबा, ये देख सकते हैं दोस्तों। आप लोगों से स्वागत है, आप लोगों से सपोर्ट है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, हम भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे दोस्तों, जो भी हमारे भाई लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट कीजिएगा। और इधर देख सकते हैं बाबा का अभिषेक हो रहा है, इसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर का दृश्य। देख रहा है गिलास से बना, गिलास से गिलास, गिलास पेपर नहीं देख रहे, पर अलग गिलास से बना है। अच्छा दिख रहा है।